وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز السامعين الكرام، पूरी मोहब्बत के साथ, शौक के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। सहबाए अकीदत के मैं खान हजारों है, इरफान रिसालत के पैमान हजारों है। बोलो भाई, सुभान अल्लाह बोलो। सहबाए अकीदत के मैं खान हजारों है,
इरफान रिसालत के पैमान हजारों हैं। और कम होगी ना, जब तक सुभान अल्लाह बोलते नहीं तब तक आगे बढ़ता नहीं, तो आगे बढ़ जाओ, बोल रही जल्दी खत्म करो। सहबाए अकीदत के मैं खान हजारों है, इरफान रिसालत के पैमान हजारों है। दामन में लिए अपने नजराने हजारों है, दामन में लिए अपने नजराने हजारों है, दुनिया में मोहम्मद के दीवान हजारों हैं। दामन में लिए अपने नजराने हजारों हैं, दुनिया में मोहम्मद के दीवान हजारों हैं। फिर एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। दिल दिमाग में एक बात खटक रही है, गले तक पहुंच गई है, बोलूं ना बोलूं इस कश्मकश में मुब्तला हूं। स्टेज पे तशरीफ फरमा काबिर हजरत उलमाए किराम अगर इजाजत दे तो वो खटकने और अटकने वाली बात को पहले पेश कर दूं, इंशाल्लाह रात बाकी बात बाकी। मुसलमानों को दो काम आज तक करना नहीं आया। भाई स्टेज में कौन बात कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि फोन ऑफ कर दें, पीछे से भी डिस्टर्ब नहीं होना, सामने से भी डिस्टर्ब नहीं होना, अदब का यही तकाजा है। कम से कम साइलेंट मोड पे डाल ले फोन, तमाम हजरात साइलेंट मोड पे डाल ले। जैसे बयान करते करते मुझे बार बार अगर फोन आया, मैं बार बार उठाकर बात किया, आपको डिस्टर्ब होगा नहीं होगा, तकलीफ होगी नहीं होगी, अरे बोलो बा होगी नहीं होगी, एक दो जुमले बोलिया, फिर फोन आया हेलो, फिर एक आधा घंटा बयान किया, बस 10 मिनट बयान किया, फिर फोन आया, फिर हेलो। बयान सुनना छोड़ दो उनको, तुम्हें सब हल्ला शुरू कर डालेंगे। मैं अगर फोन उठाकर बात करूं जैसे आपको डिस्टर्ब होगा, आप फोन बार बार उठाकर बात करेंगे मुकर्रर को भी डिस्टर्ब होगा, और हकीकत में ये मजलिस के अदब के 100% खिलाफ है। गर्ज वो बात जो खटक रही है आपके सामने अर्ज करता चलूं कि दो काम आज तक मुसलमानों को करना नहीं आया, एक शादी एक जलसा। शादियां भी करना नहीं आया, जलसे भी करना नहीं आया। शादियां शरीयत के खिलाफ करते हैं और जलसे मोहब्बत के खिलाफ करते हैं, यही सब उसूल मेथड नहीं बनाते हम अपने इजलास का, सही तौर पर निजामुल अमल नहीं बनाते हम अपने इजलास का। हमारे इजलास की कामयाबी हमारे नजदीक क्या है? बाहर से दूर से हजरत उलमाए किराम आना, ये आधी कामयाबी है, और मजमे का कसीर तादाद में आना यह पूरी कामयाबी है। यही हम समझते हैं, ये कामयाबी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कामयाबी है।
फिर एक मरतबा माफी चाहते हुए इन हकाइक को आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग अपने जलसों का माइक सिस्टम सही तौर पर रखते नहीं। छिए तो योगी बमड़े हमारे सका मार रहा, हमारे पास दोपहर से वक्त रहता है और हम इसकी तहकीक और तस्ही नहीं करते, यह हमारी गफलत की दलील है। दूसरी बात यह है, जलसा शुरू होकर आधा पौना घंटा नहीं होता या एक मुकर्रर बयान करके जाते नहीं, फिर एक नात पढ़ने वाले को बुला लेते हैं, फिर थोड़ी कार्रवाई आगे बढ़ती है, फिर नात पढ़ने वालों को बुला लेते हैं। मैं अपनी जानिब से कहूं तो शायद मुझे आप बेअदब कहेंगे, हमारे अकाबिर का भी यही ख्याल है, अगर नातिया इजलास हो तो मुकम्मल नातें पढ़ाओ, अगर तकरीर का प्रोग्राम है तो तबर्रुकन कुरान की तिलावत होगी, तबर्रुकन नात पढ़ा जाएगा, उसके बाद पूरा मकसद जलसे का कौम के सामने रखेंगे। तीसरी बात, हर आधे एक घंटे के बीच में चाय तकसीम करना, बेंगलुरु से लेकर महबूब नगर तक, महबूब नगर से लेकर हैदराबाद, डरते जलसे वाले मुंतजिमीन चाय नहीं पिलाए तो कांव उठकर भाग जाते हैं। कि चाय बनाने का और बांटने का निजाम जलसों के बीच में खतअन होना नहीं, क्योंकि आजकल ये चाय एक ऐसी चीज बन गई है वो जिस महफिल में जाती है पूरी महफिल खराब हो जाती है। मैं अक्सर कहा करता हूं इस वक्त चाय और चाय वाले से पूरा मुल्क परेशान है। क्या हजरत, पूरा मुल्क परेशान है, हो सके तो दो दुआ करो, नहीं तो कम से कम एक दुआ करो कि अल्लाह या तो चा को बंद कर दे या तो चाय वाले को खत्म कर दे। तेरी कुदरत में क्या चीज बईद है, अगर तू चाहे तो दोनों को भी बंद कर सकता है। बोलो आमीन बोलो। तो गर्ज, मैं बहुत छोटा हूं, तालिब इल्म हूं, लेकिन इन गुजारिशात का खास ख्याल रखें आप हजरात। मुंतजिमीन इजलास भी इन तमाम बातों का खास ख्याल रखें, वरना जलसे क्या हो जाएंगे, आना बैठना कहना सुनना इसी पर खत्म हो जाएंगे, न कहने वाले को अमल की तौफीक होगी न सुनने वाले को अमल की तौफीक होगी। आने का मकसद नबी की सीरत सुनना है और नबी की सीरत के साए में वो बातें जो हमारे अमल के लिए जरूरी है, उन तमाम बातों को अपनी जिंदगी में बसाना है। मरने से पहले एक सच्चे और पक्के आशिक बनना है, इसलिए कि कल कयामत में हम नबी को चेहरा दिखाने के लायक हो जाएं। बोलो इंशाल्लाह अमल करेंगे, कौन कौन अमल करेंगे हाथ उठा, सब अमल करेंगे इंशाल्लाह। दो आयतें मैं आपके सामने तिलावत की, एक आयत तो मैं अपनी हर तकरीर का एक हिस्सा बनाता हूं जो खुतबे की आयत समझी जाती है, या युहल्लदीना आमनु दखुलू फिस्सिल्मी काफ्फा इला आखिरिल आया। तकरीर में भी हजरात उलमा से आप सुनते हैं, जुमे के खुतबात में सुनते हैं, ईदेन के खुतबात में सुनते हैं,
अब मैं उस आयत के तर्जुमे और तफसीर और तशरीह को छेड़ना नहीं चाहता। मैंने दूसरी जो आयत पढ़ी वो सीरत का एक अहम अनवान और पैगाम है। उस आयत पर मैं मुख्तसर बातें तर्जुमे के साथ आपकी खिदमत में रखूंगा और पूरी आयत का भी मैं तर्जुमा नहीं कर पाऊंगा, पूरी आयत की तफसीर नहीं करूंगा, पूरी आयत की तशरीह नहीं करूंगा, आयत का शान नुज़ुल भी मुकम्मल नहीं बताऊंगा। मेरे पास जितना वक्त है इंशाअल्लाह ताला उस वक्त के अंदर अल्लाह तबारक व ताला के पास दुआ मांगते हुए जितनी बातें आप तक पहुंचा सकता हूं उतनी बातों को पहुंचाऊंगा। से दुआ करें अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। आयत क्या है? लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। कुरान का अंदाज ही बड़ा अजीब और गरीब। एक एक हर्फ से मतालिब के समंदर बहते हैं, बड़ा अजीब और गरीब कुरान का अंदाज। पूरा कुरान आज तक इसकी मिसाल 1450 साल हो गए कोई पेश न कर सका और क़यामत तक भी पेश नहीं करेगा। इंसान का कुरान कलाम हो तो कोई आदमी मुकाबले में आ सकता है, अल्लाह के कलाम का मुकाबला कौन करेगा? आ रही है बात समझ में? कलाम अल्लाह का है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। सीरत की बात बता रहा हूं, गौर से सुनना नौजवानों। जब भी कोई अहम बात होती ना, अल्लाह तबारक व ताला का एक उसूल है, उसे बड़ी ताकीद के साथ पेश करते हैं। और कुरान की हर बात बड़ी अहम, ये बात अहम कुरान की, ये बात अहम नहीं, ऐसा फैसला मैं भी नहीं कर सकता, मेरे असातजा नहीं कर सकते, फुकहा नहीं कर सकते, मुफ्तियाने किराम नहीं कर सकते। कुरान की हर बात अहम है, लेकिन यह मैं अहम से मतलब क्या ले रहा हूं, कुछ बातें कुरान पाक की अहम है और कुछ बातें बहुत ही ज्यादा अहम है। इसे समझाने के लिए मैं कुरान ही की और एक दलील पेश कर सकता हूं। तमाम अंबिया अफजल है, कुछ अंबिया से अफजल है, तमाम सहाबा अफजल है, कुछ सहाबा से अफजल है, तमाम दिन अफजल है, कुछ दिन से अफजल है, तमाम महीने अफजल है, कुछ महीनों से अफजल है, तमाम औकात अफजल है, कुछ औकात से अफजल है। ये उसूल है। हफ्ता भी असल, इतवार भी असल, पीर भी असल, मंगल भी असल, चहशुंबा भी असल, जुमेरात भी असल, जुमा भी असल, तमाम दिन अल्लाह तबारक व ताला के हैं, लेकिन फजीलत जुमे को हासिल है। अबू बकर भी अल्लाह के नेक बंदे, उमर भी अल्लाह के नेक बंदे, उस्मान भी अल्लाह के नेक बंदे, हजरत अली भी अल्लाह के नेक बंदे, दीगर तमाम सहाबा अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदे हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की बात ही कुछ और है। तमाम सहाबियात अफजल है, अम्मा आयशा की बात ही कुछ और है। तमाम रातें अफजल है, लेकिन लैलतुल कद्र की बात ही कुछ और है। तमाम अंबिया अफजल है, तमाम अंबिया में मेरे नबी की बात ही कुछ और है। इसी तरीके से कुरान के तमाम आयात अहम है, कुरान की तमाम बातें अहम है, कुरान के तमाम जुमले अहम है, कुरान के तमाम इशारे अहम है, लेकिन कुछ बातें, कुछ आयात और कुछ इशारे कुछ ज्यादा ही अहम है। आ रही है बात समझ में? किसे किसे आई है बात, जरा हाथ उठाओ। माशाल्लाह, पूरा महबूब नगर बड़ा अकलमंद है। यूपी का इलेक्शन यहां हुआ तो इंशाल्लाह नतीजा निकल जाएगा। क्यों पूरा अकलमंद है ना हजरत? समझ में आई बात? हर दिन अफजल, हर वक्त अफजल, हर चीज अच्छी, हर रात अच्छी, हर दिन अच्छा, लेकिन कुछ चीजों से कुछ चीजें अफजल है। खुद कुरान पाक कहता है
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض, बास रसूलों से बास रसूलों को अल्लाह ने फजीलत अता की है। मैं ये खुलासा इसलिए अर्ज कर दिया ताकि आधी बात सुनने वाला मेरे सामने हो या मेरे बात मुझ पर इल्जाम ना लगाए। मुजम्मिल आया था, कुरान की इस बात को अहम कहा, क्या दूसरे बात अहम नहीं? क्या हर बात अहम है? कुरान में कितने सूरतें? अरे बोलो भाई कितने सूरतें? हाँ, अरे सूरतें बोल रहा हूं, कितने? जोर से बोलो बा, सब भी मिलकर बोला लो, जिसे नहीं मालूम उन्हें भी जीत जाता। 114 सूरतें। किसी को हिम्मत है? यह सूरत बहुत फजीलत वाली है, यह सूरत फजीलत में दाखिल नहीं। सूरतुल फातिहा से लेकर सूरतुन नास तक हर सूरत की फजीलत है। उसमें कुछ सूरतें कुछ सूरतों से ज्यादा फजीलत वाली है। फातिहा की फजीलत कुछ और है, सूरह यासीन की फजीलत कुछ और है, सूरह रहमान की फजीलत कुछ और है, सूरह इखलास की फजीलत कुछ और है, सूरत दुकान की फजीलत कुछ और है। ये पढ़ेंगे तो तासीर अलग, वो पढ़ेंगे तो तासीर अलग, वो पढ़ेंगे तो तासीर अलग, वो पढ़ेंगे तो तासीर अलग। मेरे आखा ने फरमाया सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ने 70 से ज्यादा बीमारियों को रखा है, बीमारियों का इलाज रखा है। सिद्क दिल के साथ अगर कोई अल्लाह का बंदा सूरतुल फातिहा को पढ़कर खुद पर दम करता है या किसी पानी पर दूध पर या दवा पर दम करके पीता है, खुदा की कसम अगर उसके मुकद्दर में मौत नहीं है अल्लाह जरूर शिफा अता करते हैं। और एक गुजों का अमल भी बता देता हूं, सुनो। मुझे एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने यह वजीफा अता फरमाया, हजरत मौलाना पीरे तरीकत मोहम्मद इदरीस हब्बान साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक मरतबा हाजिर हुआ तो उन्होंने ये अमल बताया। फरमाया कि मौलाना एक अमल बताता हूं जो अमल मुझे मेरे शेख हाजिकुल उम्मत से मिला। पाक और साफ किसी अच्छे पाक और साफ बॉटल में ले लो, किसी अल्लाह वाले के पास जाकर 7 मरतबा सूरह फातिहा दम करा लो, फिर उस पानी को लाकर घर में रखो, पूरा पानी खर्च और खाली मत करो, जरूरत पर अगर इस्तेमाल करना है तो कुछ ना कुछ पानी बॉटल में हो, और रोजाना सुबह को उठो, फजर की सुन्नत पढ़ो, फजर की फर्ज से पहले जिस मुसल्ले पे सुन्नत पढ़ते हो उसी मुसल्ले में बैठकर 7 मरतबा सूरह फातिहा खुद पढ़ो। जिसके घर का बॉटल है वो घर वाले पढ़े, फिर उस बॉटल में दम कर दे, फिर सारा दिन इस्तेमाल करो, फिर दूसरे दिन भी ऐसा पानी मुकम्मल खाली न करो, यहां तक के ये पानी जितना पुराना होगा उतना बाशिफा होगा। हजरत अल्लामा रहमतुल्लाही अलैह ने मौलाना जैसे जैसे सूरह फातिहा की कसरत और अय्याम इस पर गुजरते हैं अल्लाह इस पानी में ऐसी तासीर देते हैं, थर्ड स्टेज में रहने वाला कैंसर का मरीज भी इस पानी को पी ले 3 दिन के अंदर शिफा याब हो जाता है। ये सब मुजर्रबात है। खुद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं,
किसी मुसलमान को ऐसी बीमारी लाहिक हो जिसके इलाज से डॉक्टर्स और अतिब्बा आजिज हो, तब भी उस मरीज को मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला दवाओं में भी शिफा रखे हैं, दुआओं में भी शिफा रखे हैं। ये आजिज कहता है जहां दवा का पावर खत्म होता है वहां दुआ का पावर शुरू होता है, जहां दवा का पावर खत्म होता है वहां आयात का पावर शुरू होता है, जहां दवा का पावर खत्म होता है वहां वज़ाइफ का पावर शुरू होता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन इरशाद फरमाते हैं, कोई मुसलमान किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया जिसके इलाज से डॉक्टर्स और अतिब्बा आजिज आ चुके हो, उसे चाहिए कि बारिश का डर पानी पकड़े। लेकिन सवाल कर रहे महबूब नगर वाले, पकड़ते सो वक्त बारिश पड़ना ना हजरत, तुम्हें क्या कि बोला को चल जाते, अब मंजे अब भी छोना बारिश का तो मिलती क्या? इसके वास्ते बारिश जब पड़ती ना तब कुछ पानी पकड़ के घरों के अंदर रखो और आजमा कर देखो, बाजार में मिलने वाले पानी चंद दिनों के बाद खराब हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो आसमान से पानी गिरता है अगर उस पे हाथ नहीं डाले, बंद करके रखेंगे, जितने साल रखेंगे उतने साल पानी महफूज रहता है। करो तजुर्बा। कौन कौन करेंगे तजुर्बा, हाथ उठो। वैसे अगर तो मेरी बात पर यकीन नहीं की, क्या हजरत ये बोले तो भी हटकारी, वो बोले तो भी हटकारी। अरे हर एतबार से अटकने का दौर चल रहा है हमारे मुल्क में। वैक्सीन डाले तो भी खतरा, नहीं डाले तो भी खतरा। क्या करना, ये काम करे तो भी अटक रही, वो काम करे तो भी। माहौल का असर मुझ पर पड़ा, वादा लिया तो भी अटका रहा हूं, नहीं लिया तो भी अटका रहा हूं। बारिश का पानी जब पड़ता है तो कभी उसे बेकार न करो, जाकर पकड़कर कुछ बॉटल्स में बारिश का पानी डायरेक्ट उतरे की पर गिरकर आना नहीं, डायरेक्ट आना, उसे पकड़कर हिफाजत से रखो। बड़े बड़े अकाबिर व सूफिया व औलिया उल्लाह तशरीफ फरमा है, हजरत तबर्रुकन नाम ले रहा हूं, हजरत जवाद साहब दामत बरकातहुम से आप पूछ ले, हजरत मौलाना नईम कौसर साहब दामत बरकातहुम से पूछ ले, बड़ी बड़ी बीमारी शिफा अल्लाह डायरेक्ट मुनज्जल मिन समा के अंदर रखा है। पानी ले लेने के बाद अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, बीवी के पास आए, महबूब नगर में है क्या बीवी? नहीं है, नहीं है। महबूब नगर के बीवी के पास आए, बेगम मुकदमा पेश कर रहा हूं क्योंकि हजरत खिबला दामत बरकातहुम से उन से पहले एक मर्तबा हाजिर हुआ तो वादा किया था, इसके बाद जब तक चाहेंगे याजिज बोलेगा, क्योंकि उस वक्त जरा जल्दी जल्दी में चलेगा, वादा भी निभाना कि नहीं निभाना, इसलिए आप इत्मीनान से बैठो, जल्दी आप जाने का इरादा नहीं है और बयान भी जल्दी खत्म करने का इरादा नहीं है, परेशान भी होने की जरूरत नहीं। कब तक बयान करूंगा ये भी बोल डालूंगा, जब मंजे भूख लगती बयान खत्म। बीवी के पास आए, आकर बेगम से कहे कि बेगम साहेबा, हमने बवक्ते निकाह के वक्त में तुम्ही जो मेहर अदा किया था उस मेहर के पैसों में हमें कुछ पैसे दीजिए। उन्हें ऐसा घूर को देखती रूह पानी पानी हो जाना, की घूर थी, घुग्गू दिया च नहीं। हजरत का बयान सुन लगा को ले रहा है, देते मेहर,
मेरी पर्दे में बैठी हुई माएं और बहनें, अगर तुम्हारा शोहर तुम्हें मेहर की रकम दिया है, उस रकम को जाया ना करो। अल्लाह ने इस पैसों में, इस रकम के पैसों में बरकत रखा है, इस रकम मेहर के पैसों में शिफा रखा है। इसे फौरन खर्च ना करो, इसे ऐसे ही रखो। जब तुम्हारे घर का कोई मर्द नई तिजारत करना चाहता है, उसमें से एक 10-20-50 रुपए निकाल कर दो, इससे आप दुकान की इफ्तिताह कीजिए, अपने बिजनेस का आगाज कीजिए, अपनी तिजारत को शुरू कीजिए। जब भी कोई ऐसी बीमारी किसी को लाहिक हो जाए जिसका इलाज नामुमकिन और मुहाल हो जाए, तफसीर इब्ने कसीर उठाकर देखो, ये रिवायत मिलेगी। मैं अपनी सनद के लिए उलमा के सामने हवाला पेश कर दिया, मेहर के पैसों में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत भी रखा है, मेहर के पैसों में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा भी रखा है। इसलिए मेहर का पैसा जाया मत करो, बवक्त निकाह मेहर अदा करो। अल्लाह तबारक व ताला इसके अंदर शिफा रखा है, इसके अंदर बरकत रखा है। गर्स अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बीवी के पास से कुछ पैसा मेहर का लो, बाजार जाओ और उस बाजार को जाकर उन पैसों से खालिस शहद खरीदो। वो शहद खरीद कर वो बारिश के पानी में मिलाकर इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला बड़ी से बड़ी मोहलिक बीमारी को भी खत्म कर देते हैं। फातिहा की फजीलत अपनी जगह पर है, सूरह यासीन की फजीलत अपनी जगह पर है। आका ने फरमाया 24 घंटे के बीच में अगर कोई यासीन की तिलावत करता है, मेरी पर्दे में बैठी हुई माए, आज ये तोहफे लेकर जाओ, सबसे ज्यादा घर की बेबरकती का रोना तुमको आता है, तुम्हारे शौहर की तिजारत में बरकत का ना होने का रोना तुमको आता है, माल को ज्यादा हासिल करने के लिए आमिलों के पास तुम जाती हो, आमिलों के दरवाजे तुम खिटखिटाती हो, जरूरियात जिंदगी मर्दों के मुकाबले में सबसे ज्यादा तुमको है। इस रिवायत को सुनो और अमल करो। प्यारे आका, मेरे आका, तुम्हारे आका, कायनात के आका सादिक व मस्दूक ने इरशाद फरमाया 24 घंटे के बीच में, बाज रिवायतों में फजर के बाद, बाज रिवायतों में फजर से पहले, बाज रिवायतों में रात में, बाज रिवायतों में शुरू दिन से मुराद मुफस्सिरीन किराम मुहद्दिसीन इज़ाम ने लिया बाद नमाज मगरिब 24 घंटे में एक मरतबा। अगर कोई अल्लाह का बंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की तिलावत करता है, खास तौर पर अल्लाह तबारक व ताला उसे दुनिया में दो नेमतों से माला माल करते हैं। एक नेमत यह है कि उसके घर की और उसकी जिंदगी की हर चीज में बरकत आती है। दूसरी नेमत यह है, जिस दिन वो यासीन पढ़ा उसी दिन अगर उसका इंतकाल हो गया तो कल कियामत में खुदा उसे शहीदों के साथ उठाएंगे। तमाम सूरत आला, तमाम सूरत अफजल, अकमल, तमाम सूरत अहसन, बास सूरतों की फजीलत बास सूरतों से अलग, बास सूरतों की फजीलत बास सूरतों से ज्यादा, बास आयते अहम, बास आयते उससे ज्यादा अहम। अल्लाह तबारक व ताला इस आयत में बड़ी अहम बात बताता है। खुदा का उसूल है, जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी अहम बात को बताना चाहते हैं, कुरान में दो तरीके इस्तेमाल फरमाते हैं। उलमा की हाजिरी में उलमाए किराम का यह सबक मैं अपनी आवाज से आपके सामने पेश कर रहा हूं, तवज्जो से सुनो नौजवानों, तवज्जो से सुनो मुसलमानों, तवज्जो से सुनो मेरी माए और बहने, सीरत के दिल से मजाक नहीं है। खाना तुमको पेट में खिलाने के लिए नहीं बुलाया गया, तुम्हारे घर में खाना नहीं पका कि तुमको यहां खिलाने का इंतजाम हुआ है, तुम्हारे घर में चाय नहीं इसलिए यहां चाय का इंतजाम हुआ है, यहां इंतजाम जलसे का इसलिए हुआ तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, जो अमल तुम्हारे अंदर नहीं वो अमल तुम्हारे अंदर पैदा हो।
हो जाए। मोहब्बत को तुम कामिल बना लो, प्यार को तुम कामिल बना लो, इश्क को तुम कामिल बना लो। जो दावा नबी की मोहब्बत का तुम करते हो, आज तक वो दावा खोखला है, उस दावे को मजबूत बना लो। दावे के मुताबिक जिंदगी, दावे के मुताबिक अमल, दावे के मुताबिक दलील तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, इसलिए ये जलसे मुनक़िद करते हैं। वरना इन जलसों में जितना पैसा लग रहा है, अगर तुम अमल नहीं करोगे, इन पैसों की जरूरत खुद महबूब नगर के यतीमों को है। अगर तुम अमल नहीं करोगे, इतने पैसों की जरूरत खुद महबूब नगर के मरीजों को है। अगर तुम अमल नहीं करोगे, इससे ज्यादा या इतने पैसों की जरूरत खुद महबूब नगर के बेवाओं को है, महबूब नगर के गरीबों को है। अमल करोगे ये पैसा कामयाब हो जाएगा, अमल करोगे ये जलसा कामयाब हो जाएगा। इस उम्र में हजरत क़िबला ने तुम्हारे सूरतों के सजाने के मुताल्लिक बताया, कितने साल हो गए तुम्हारी जिंदगी के, कितनी मर्तबा तुमने उलमाए किराम के बयानात को सुना, कितनी फजीलत दारी के मुताल्लिक सुना, लेकिन खुद जलसे करने वाले 15-15, 20-20 जलसे कर दिए, 25-25 जलसे कर दिए, लेकिन अभी भी उनके चेहरे में एक की दाढ़ी नहीं है। एक साल की दाढ़ी तो दूर की बात, 5 साल की दाढ़ी तो दूर की बात, 10 साल की दाढ़ी तो दूर की बात, एक दिन की दाढ़ी नहीं है। पता नहीं मेरे दोस्तों, रब्बे काबा की कसम कि हमको दाढ़ियों से इतनी नफरत क्यों। हज़रत मौलाना नईम कौसर साहब दामत बरकातुहुम से गुजारिश है कि मेरी इस्लाह फरमाए, क्योंकि इधर भी शायर बैठे हैं, इधर भी शायर बैठे हैं, शायर अल्फाज को बड़ा तोलते हैं। हज़रत जव्वाद साहब दामत बरकातुहुम भी शायर इस्लाम है, हज़रत मौलाना नईम कौसर साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह शायर इस्लाम है। शायर हजरात अल्फाज को बर वक्त दोलने का बड़ा अजीब और गरीब मलका रखते हैं। मैं आपके सामने इस वक्त जो जुमला कह रहा हूँ, बर वक्त है या बे वक्त है, अगर इसी वक्त मेरी इस्लाह कर दे तो मैं नहीं शर्माऊंगा, क्योंकि मैं खुद इस्लाह की नीयत से आता हूँ। दाढ़ियों से नफरत है या दाढ़ियों से दुश्मनी है, पता नहीं चलता। कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ो, फिर भी दाढ़ियों से जिंदगी को दूर रखो। कैसे मुसलमान, क्या चेहरा दिखाओगे। मैंने पढ़ा दाढ़ी का उन्वान, ये उलमा ने पढ़ा। एक जगह पर हजरत अनवर शाह कश्मीरी मुहद्दिस कबीर फखरुल मुहद्दिसीन, जानते हो अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को, यह तो इमाम बुखारी के दौर में पैदा होने वाली शख्सियत थी, इमाम मुस्लिम के दौर में पैदा होने वाली शख्सियत थी, इमाम मालिक के दौर में पैदा होने वाली शख्सियत थी, इमाम तिर्मिजी व इब्ने माजा के दौर में पैदा होने वाली शख्सियत थी। इस दौर में अल्लाह पैदा करके बताया, मुहद्दिसीन को अगर तुमको देखने ना देखने का अफसोस है तो अनवर शाह कश्मीरी को देखकर अपने सीने भर लो। बड़े आशिके रसूल हजरत अनवर शाह कश्मीरी फरमाते, मेरी आपा तू भी सुन, कुछ मर्द वो हैं जो अपनी तरफ से दाढ़ियां मुनाते हैं, तो कुछ मर्द वो हैं जिनको दाढ़ियां मुनाने पर उनके घर की औरतें मजबूर करती हैं। आप देखे कि नहीं देखे, मेरे पास वाकियात मौजूद है। शादी से पहले एक मुश्त बराबर दाढ़ी थी, शादी के 8 दिन के बाद आकर मुलाकात करता है तो पूरी दाढ़ी तकरीबन खत्म के करीब है। क्या भाई किस्सा, हजरत रात की पार्लियामेंट पास हुई, मेरे चेहरे की दाढ़ी गायब हो गई। और आज के नौजवान जोरू के गुलाम, वही जोरू कहती है
दूसरे काम तो करता नहीं, वही जोरू कहती है कि नबी की सुन्नत के खिलाफ काम कर तो कर देता है। मैं साफ कहता हूं महबूब नगर की मेरी आपा मेरी बहन, तुमने चीटी भेजी नात पढ़कर सुनाने की, मौका हो तो पढ़कर सुनाऊंगा। नात सुनना इश्क नहीं है, तुम मेहनत करके अपने बाप के चेहरे पे दाढ़ी को बसाना, ये नबी की मोहब्बत है। तुम तुम्हारे शौहर पर मेहनत करके उसके चेहरे से दहरे को दाढ़ी से सजाना मोहब्बत है। तुम अपने बच्चे को दूध पिलाने का मुआवजा दाढ़ी के जरिए से पूछना मोहब्बत है। तुम्हारे भाई को दाढ़ी की ताकीद करना, ये हुजूर से मोहब्बत है। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, दाढ़ी मुंडाने वाला मदीने मुनव्वरा हाजिरी देता है, रोजे अक्दस के करीब से गुजरता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज करता है। हजरत अनवर शाह ने इरशाद फरमाया, अगर सलाम अर्ज करके वो वहीं ठहरता है, मेरे आका की रूह तड़पने लगती है। यहां तक लिखा है, अब बता दूंगा किताब के, दाढ़ी मुंडाने वाला रोज़े अक़दस के करीब जाकर सलाम करता है, पैगंबर उसे जवाब नहीं देते। क्या समझे इस अजीम तरीन सुन्नत को, क्या समझे? और दिल कैसे आता है दाढ़ी मुंडाने वालों मुसलमानों के, तुम्हारे चेहरे पर नबी की अमानत, तुम्हारे चेहरे पे अंबिया की अमानत, तुम्हारे चेहरे पे सहाबा की अमानत, तुम्हारे चेहरे पे ताबीन की अमानत, तुम्हारे चेहरे पे तबे ताबीईन की अमानत, तुम्हारे चेहरे पे औलिया की अमानत, तुम्हारे चेहरे पे गौसुल आजम की अमानत, तुम्हारे चेहरे पे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की अमानत, तुम्हारे चेहरे पे ख्वाजा बंदे नवाज की अमानत। और तुम हज्जाम की दुकान में जाकर नबी के दुश्मन के हाथों से तुम नबी की सुन्नत को कटाते हो, तुम्हारा जिगर कुछ नहीं करता? तुम्हारा जमीर कुछ नहीं कहता? तुम्हारा ईमान कांपता नहीं? तुम्हें दर्द होता नहीं? तुम्हें उस वक्त तुम्हारा नबी याद आता नहीं? तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नबी के एहसान याद नहीं आते? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआएं याद नहीं आती? तुमने एक अमानत नबी की, बचपन से इस जुमले को लफ्ज को सुना, हमारे बड़ों तो दाढ़ी का इतना अदब करते थे, दाढ़ी को दाढ़ी नहीं सुन्नत बोलते। हमारे बड़े तो दाढ़ी का इतना अदब करते, वजू करते करते अगर खिलाल करने का वक्त आता, खिलाल करते करते अगर बाल झड़ जाते, रब्बे काबा की कसम उन बालों को भोरी में नहीं छोड़ते, उठाकर जेब में रख लेते। मेरे पास तो एक बुजुर्ग आए, कहने लगे कि हजरत ये अमानत मैं तुमको देता हूं, जबी भाई को पूछो, जब मैं मस्जिद सुबहानिया में, अब जिस मस्जिद में खुतबा दे रहा हूं, खिदमत कर रहा हूं, इससे पहले जिस मस्जिद में मैं खुतबा और खिदमत करता था, उस मस्जिद का नाम सुबहानिया, उस मस्जिद में एक बुजुर्ग आए, आकर कहने लगे ये अमानत है हजरत। मैंने पूछा क्या अमानत है? बड़ा जबरदस्त पैकिंग था, मैं भी खुश होगा, मौली साहब पैकिंग देखे तो खुश हो जाते हैं, लेकिन खोल को देखे तो जितनी तकलीफ होती उतनी तकलीफ तो बेवा को भी नहीं होती। निके पढ़ाते महबूब नगर में? मौली साहब पढ़ाते कि निके? हमारे बेंगलुरु में भी मैं पढ़ाता हूँ, दूसरे उलमा पढ़ाते, निकाह की का पढ़ा डालने के बाद आते आते एक लिफाफा देते हजरत, वो लिफाफा इतना कड़क रहता, वाह 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 वाह, घर को आने तक पूरी तवज्जो जेब में थी। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला बोल को खोल तू, जैसे ही खोल को अंदर नजर पड़ती, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि कफन अच्छा मुर्दा खराब। जैसे ही एक बन लिफाफा देखा,
मैंने पूछा हजरत ये क्या है, उन्होंने कहा कि मौलाना फला मौलाना का बयान सुनकर मैंने दाढ़ी रखा, उसके बाद मैंने दाढ़ी की ऐसी हिफाजत की, मैं तो मेरे बच्चों की भी ऐसी हिफाजत नहीं की। हजरत कभी कभार मेरे निगाहों के सामने बाल गिर जाते, मैं उन बालों को ज़ाये नहीं होने देता, इसे हिफाजत करके रखा हूँ हजरत। अब मेरी तबीयत नासाज है, पता नहीं कि कब क्या होगा। जब मैं मर जाऊँ तो गुस्ल आप ही देना, कफन आप ही पहनाना। हजरत जायज़ की नाजायज़ की वो बोलो न को हजरत, ये दाढ़ी के मेरे बाला मेरे कफन में रख देना। ये दाढ़ी के मेरे बाल मेरे कफन में रख देना, इतना दाढ़ी का अदब करते थे, इतना दाढ़ी से मोहब्बत करते थे। और आज हाल क्या है? थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकिया लिखा है दाढ़ी के मुतालिक, याद आ गई तो बाद दो वाकिए पेश करता हूं, सुनो। एक वाकया पहले, थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया लिखते हैं और उसके बाद उसका नतीजा निकालते हैं, और उस नतीजे के पेश करके खुद थानवी रोते हैं। हाशिए में बराबर लिखा है कि यह वाकया बयान करते हुए हजरत थानवी ने रोया और पूरी मजलिस रोई। एक औरत का एक ही बेटा था, इत्तफाक से ऐन जवानी की उम्र में वो बच्चे का इंतकाल हो गया। क्या रोती भी बच्चा आता नहीं। एक मरतबा वो औरत बूढ़ी कहीं जा रही थी, उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी, फौरन वो बूढ़ी औरत उस बच्चे के पास गई, बच्चे को सलाम करती है, कहती है कि मेरे बेटे एक मरतबा मेरे घर आकर मेरे घर में जो पका है तू खा ले। बच्चा आया, उस औरत बड़ी मोहब्बत के साथ लेकर आई, जान नहीं पहचान नहीं अपना नहीं, लेकिन इतनी मोहब्बत, कभी सर पे हाथ रखती है, कभी चेहरे पे हाथ रखती है, कभी पानी पेश करती है, कभी शरबत पेश करती है, कभी कोई मीठा पेश करती है। जब दस्तरखान बिछाई तो अपने हाथ से रोटी तोड़कर शोरबे और गोश्त में डुबोकर बेहतरीन लखमा बनाकर निवाला बनाकर खिलाती है। बच्चा भी आखिर परेशान हो गया, मैंने इसको कभी देखा नहीं, लेकिन क्या बात है, इतनी मोहब्बत से नवाज रही है। पूरी दावत से फारिग होने के बाद, पूरी मोहब्बत से फारिग होने के बाद जब निकलने का वक्त आया, देखता क्या है बच्चा कि माँ के औरत के हाथों में आंसू है। माँ ने औरत ने कहा, बेटे कभी इधर से गुजर जाओ, गुजरो तो एक मर्तबा हमारे घर को भी आ जाना। आखिर बच्चे ने पूछा, अम्मा इतनी मोहब्बत से तू क्यों नवाज रही है? तो उस मां ने कहा, बेटे बात दरअसल ये है कि तेरे जैसा एक बच्चा मेरा था, इंतकाल हो गया, जब मैं तुझे पीछे से देखा मेरे बच्चे की पूरी शबाहत तुझ पे नजर आई, मैं तुझे मोहब्बत नहीं की, मेरे बच्चे की शबाहत को मैं मोहब्बत की। मैं तुझे मोहब्बत नहीं की, मेरे बच्चे की शबाहत को मैं मोहब्बत की। तुझे जब भी देखती हूं तेरे चलने का अंदाज मुझे मेरे बच्चे का चलने का अंदाज नजर आया, तेरे खदो खाल मेरे बच्चे से मिलते जुलते नजर आए। इसलिए मेरे अंदर जो तड़प थी उस तड़प को तसल्ली करने के लिए मैंने तुझे इतनी मोहब्बतों से नवाजा। हजरत थानवी फरमाते हैं वाकिया बयान करने के बाद कि कल कियामत में कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व ताला उस गुनहगार के चेहरे को देखेंगे, उसके चेहरे पे दाढ़ी होगी, अल्लाह फरमाएंगे जा
तेरा चेहरा मेरे नबी के चेहरे से मिलता जुलता है, तेरा चेहरा मेरे अंबिया के चेहरे से मिलता जुलता है, तेरा चेहरा मेरे नबी के सहाबा के चेहरों से मिलता जुलता है, तेरा चेहरा मेरे औलिया के चेहरों से मिलता जुलता है। सिर्फ एक शबाहत की वजह से मैंने तेरी मगफिरत का फैसला कर दिया। फिर मजीद थानवी फरमाते हैं, कल कियामत में दाढ़ी रखने वालों, कल कियामत में खुदा पूछे कि क्या लेकर आए हो, अमल पेश करो कि ना करो, लेकिन चेहरे में नहरे वाली दाढ़ी पेश कर दो। तेरे महबूब की सूरत इलाही लेके आया हूँ, तेरे महबूब की सूरत इलाही लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे शबाहत लेके आया हूँ। अल्लाह तेरे महबूब की सूरत का एक अंदाज लेकर आया हूं, मानता हूं परवरदिगारे आलम तेरे हबीब की आंखें कहां, मेरी आंखें कहां, तेरे हबीब की पेशानी कहां, मेरी पेशानी कहां, तेरे हबीब के गाल कहां, मेरे गाल कहां, तेरे हबीब की नाक के हुस्न कहा, मेरी नाक कहा, तेरे हबीब के खदो खाल कहा, मेरे खदो खाल कहा। परवरदिगारे आलम मानता हूं मेरी पेशानी नबी के पेशानी से मुशाबहत नहीं रखती, मेरे गाल नबी के गाल से मुशाबहत नहीं रखते, मेरी नाक नबी की नाक से मुशाबहत नहीं रखते, मेरे होंठ नबी के होंठ मुबारक से मुशाबहत नहीं रखते। परवरदिगार इतना तो मानता हूं मैं, मेरी दाढ़ी तो नबी की दाढ़ी से मुशाबहत रखती है। ऐ अल्लाह क्या ये दाढ़ी वाला भी जहन्नम जाएगा? अल्लाह फरमाते हैं जा जा, इस सुन्नत के सदके मैंने तेरी मगफिरत का फैसला कर दिया। इस रिवायत को बाज उलमा फरमाते हैं मौजू रिवायत है, बिल्कुल गलत कहते हैं। एक मर्तबा फरिश्तों ने हामान के अजाब के मुतालिक अल्लाह से पूछा, अल्लाह फिरौन मरिया अजाब देना शुरू कर दिए, खारून मरिया अजाब देना शुरू कर दिए, दूसरे मरे अजाब देना शुरू कर दिए, लेकिन हामान मरते ही आपने अजाब का फैसला ताखीर से क्यों फरमाते हैं? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मेरा दुश्मन, मेरे कलीम और मूसा का दुश्मन, मेरी किताब का दुश्मन, मेरे दीन का दुश्मन, मेरी शरीयत का दुश्मन मानता हूं, लेकिन जानते हो ये कौन दुश्मन है? भरे धरसरे भरे दरबार में ये मूसा की नकल करता था, क्योंकि मूसा जब बात करते थे जरा लुकनाते थे, क्योंकि बचपन में मुंह में आग डाल लिए इसलिए लुकनाते थे। हजरत मूसा के लुकनत की नकल करता था, इसलिए अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी की ये नकल कर रहा है, इसकी वजह से इतने देर इतने दिन तक अजाब में ताकीर इसके नकल की वजह से मिली है। उठा कर देख लो, मेरे जाने के बाद पूछ लेना उलमा से, फतावे आलमगीरी का हवाला पेश है, हिदाया की उर्दू शरा है, अशरफुल हिदाया है। दोस्तों कान खोल कर सुनना, बगैर सनद के बात नहीं करता। हजरत वाला के चंद बातों से बातें मुझे याद आ गई हैं। क्या समझते हो दाढ़ी मुंडाना कोई मामूली गुनाह है? कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। हजरत अहमद गंगोही रहमतुल्लाही अलैह ने लिखा है साफ तौर पर, सहाबा को गाली देने वाला मर जाए, दफनाने के बाद चेहरा खबर से फिर जाता है। बेनमाजी का चेहरा मर जाए, खबर में चेहरा
क़िबले से फिर जाता है। माँ बाप को तकलीफ देने वाला मर जाए, दफनाए चेहरा कब्र से क़िबले से फिर जाता है। उलमा के शान में गुस्ताखी करने वाला मर जाए, दफनाते हैं तो चेहरा खबर से फिर जाता है। अगर हिम्मत है तो सुनो महबूब नगर के वो मेरे नौजवान भाइयों जो अपने सर चेहरे में एक घंटे को तो एक घंटे की मोहलत दाढ़ी को नहीं देते, सुन लो हजरत रशीद अहमद गंगोही साहिब कशफ व करामत हजरत इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्ला अलैह के खलीफा, वो भी कैसे खलीफा, एक मरतबा हजरत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्ला अलैह ने फरमाया कल क़यामत में खुदा मुझसे पूछे इमदादुल्ला तो क्या अमल लेकर आया है, मैं कह दूंगा अल्लाह मेरे पास अमल नहीं है, मैं कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही को लेकर आया हूं। रशीद अहमद गंगोही खासिम नानोतवी को लेकर आया हूं। अरे अपने शेख पर तो मुरीदीन को फकर होता है, उस्ताद पर तो शागिर्दों को फकर होता है, माँ बाप पर तो बच्चों को फकर होता है, यहां बात ही कुछ और है, यहां मुरीदीन पर शेख को फकर है, मुरीदीन पर शेख को फकर है। वैसे हजरत रशीद अहमद गंगोही फकीहुल उम्मत इरशाद फरमाते हैं दाढ़ी मुंडाने वाला अगर मर जाता है उसे दफनाते हैं तो उसका चेहरा इतना मनहूस है कि दफनाने वाले कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकलते, उसका चेहरा किबले से फिर जाता है। मजीद हजरत रशीद अहमद गंगोही फरमाते हैं यकीन न आए तो किसी दाढ़ी मुंडवे की खबर खोल कर देखो, किसी आलिम के शान में गुस्ताखी करने वाले की खबर खोल कर देखो, किसी सहाबा के शान में गुस्ताखी करने वाले की खबर खोल कर देखो, माँ बाप को सताने और तकलीफ देने वाले की खबर खोल कर देखो, तुमको हकीकत नजर आ जाएगी। सुनो मेरे दोस्तों, शायद आज की बात दाढ़ी पर खत्म हो जाए, खुदा मेरे मुख्तसर से वक्त में बरकत दे दे, दाढ़ी मुंडाने वालों का दिल फिर जाए, दाढ़ी रखने वाले अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। से तुम आरास्ता हो ऐ दाढ़ी रखने वालों, तुम ही मुबारक हो, तुम ही मुबारक हो, 24 घंटे तुम नबी की सुन्नत के साथ रहते हो, नबी के साथ रहने का शरफ तो नहीं मिला लेकिन नबी के सुन्नत के साथ रहने की सआदत नसीब हुई है। मिसवाक भी सुन्नत है रहते लेकिन दाढ़ी एक ऐसी सुन्नत है, टोपी भी सुन्नत है, 24 घंटे नहीं रहते लेकिन दाढ़ी एक ऐसी सुन्नत है, रब्बे काबा की कसम 24 घंटे आप नबी की वो अजीम सुन्नत के साथ जागते भी हैं, उस अजीम सुन्नत के साथ सोते भी हैं। बाहर निकलो, मैं ये नहीं कह सक रहा हूं तुम दाढ़ी के साथ जाते हो या दाढ़ी तुम्हारे साथ जाती है, तुम दाढ़ी के साथ जाते हो या दाढ़ी तुम्हारे साथ जाती है। एक मसला सुनो, जिगर पाश पाश हो जाएगा, जिगर पाश पाश हो जाएगा। और एक बात अर्ज करता हूं, इस वक्त याद आ रही है, वो भी दाढ़ी मुंडाकर किसे खुश करना चाहता है आज का नौजवान, उसे खुश करना चाहता है जो हमारे नबी का दुश्मन है, ये सबसे बड़ा लमिया है। ये नबी पर सबसे बड़ा जुल्म है। लोग पूछते हैं हजरत फला कंपनी में नौकरी मिली है लेकिन दाढ़ी मुंडाने की शर्त है, दाढ़ी मुंडाऊं की नौकरी छोड़ूं? अहमक, 30 साल का हुआ इश्क का उसूल अभी नहीं मिला, एक मामूली लड़की से मोहब्बत करता है तो माँ बाप को छोड़ने तैयार होता है, जब नबी से मोहब्बत करता है तो नौकरी को ठोकर मार, दाढ़ी को न छोड़। दाढ़ी के साथ जो वफा किए ना, खुदा की कसम मुसीबत के वक्त दाढ़ी के साथ जिन्होंने वफा की थी, अक्सर ऐसे लोगों को मरने से पहले ख्वाब में नबी की जियारत हुई है। मेरे अल्फाज नोट करना, बैठ जाओ बेटे, बाबूलाल बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ बेटे। मुसीबत के वक्त नबी की मोहब्बत के खातिर
जिन्होंने दाढ़ी के साथ वफा की है। अल्फाज याद रखना नौजवानों, मुसीबत के वक्त जिन्होंने दाढ़ी के साथ वफा की है, रब काबा की कसम उनको नबी की जियारत नसीब हुई है। बहुत पुराना वाकिया है, उस वक्त का वाकिया है जब हमारा मुल्क तकसीम नहीं हुआ। हमारा मुल्क तकसीम नहीं हुआ उस वक्त का वाकिया है, गौर से सुनना। जब हमारा मुल्क तकसीम नहीं हुआ था उस वक्त बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल सब एक था। जैसे यहां कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र स्टेट्स है, वैसे उस तरफ इस्लामाबाद, ये सब स्टेट, और शहर का नाम भी वही, स्टेट का नाम भी वही। एक नौजवान पढ़ा लिखा सोम सलात का पावन, थानवी ने वाकया लिखा है, वो किताब मेरे पास मौजूद है अभी इस वक्त, कई साल पहले पढ़ा था, इस वक्त याद आ रहा है वाकया। पढ़ा लिखा नौजवान, खूबसूरत, और दाढ़ी वाले ही खूबसूरत होते हैं। अगर जो दाढ़ी मुड़ाता है उसे खूबसूरत कहते हैं तो मैं समझूंगा कि देखने वालों के आंखों में फसाद है। दाढ़ी मुड़ा को लाल के सकाकत है, दाढ़ी मुड़ाया लाल कैसे हो गया? अगर दाढ़ी चेहरे में ऐब होती, आशिकों की बात नकल कर रहा हूं, हजरत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर दाढ़ी चेहरे में ऐब होती इतने हसीन चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं क्यों आती? हसीन चेहरे से कौन मुराद? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके चेहरे की खूबसूरती को अल्लाह ने सूरा बनाकर नाजिल कर दिया। मुल्तान का एक नौजवान, कहां का? अरे बोलो बा। अरे अरे नहीं बोल रही, भी सही, कौन तुम्हें बोला तो कौन तुम्हें नोट कर लगे जाको, पुलिस को बोला तो मुसलमान पूरे बैठ जाको, पाकिस्तान के बात करें, ये इल्जाम लग सकता। समझ में आई बात है? मुल्तान का एक नौजवान पढ़ा लिखा, दुनियावी तालीम याफ्ता, लेकिन था वो पक्का मुसलमान। उसके चेहरे में दाढ़ी थी, सोम सलात का पावन था, माफ करना, इस्लामाबाद का नौजवान। एक जगह रिश्ता हुआ, उस जमाने की लड़कियां अपनी जिंदगी अपने मां बाप के हवाले कर देती थी। माँ बाप जहां रिश्ता लगाते थे कर लेती थी, और होने वाले शौहर को कब देखती थी? शादी के बाद पहली रात देखती थी। अब बराबर जैसे शौहर एक फोटो भेजो कैसी है देख तू, वैसे बराबर छोकरी भी बोलती एक फोटो भेजो कैसा है देख तू। अच्छा वो तो वो, अब तो डायरेक्ट बिठा को दिखाने का अजीब माहौल शुरू हो गया, और उसे हमें सनद भी पेश करते। आका ने फरमाया पहले एक मर्तबा देख लियो, खाली देखने तक बात है। देखते देखते हल्लू पूछ लेती, क्या नंबर तुम्हारा मोबाइल का? उनको मोबाइल, इनको मोबाइल दे डालते। हजरत फरमा रहे हैं वो जरूरत भी बाकी नहीं रही, कहते बिल्कुल सच। अब खुल्ला माँ बाप दे रही, कहते हमारे बेटे का ये नंबर हमारे कि, और कितने बेहया बनोगे मेरे दोस्तों, और कितना माहौल को बेहया बनाओगे। पर्दे में बैठी हुई गैर शादीशुदा मेरी बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी हया का पावर नमाज के पावर की बराबर, लिखा है किताबों में, जहां नमाजों के वसीलों से दुआ कबूल होती है वहीं तुम्हारी हया के वसीलों से भी दुआ कबूल होती है। आखिर और कितना बेहया बनोगी तुम, और हमारे सर कितना झुकाओगी तुम, जरा ये तो बता दो। एक मर्तबा देखना, फैसला कर लेना,
इस्लामाबाद का नौजवान सोमो सलात का पाबंद एक जगह रिश्ता लगता है, रिश्ता लगते ही शादी की कार्रवाई शुरू होती है। कल शादी तो आज बारात गई, कुछ लड़कियां देखी होने वाले दुल्हा को, देखते ही लड़की को आकर कान में फूंक दिए, तेरा होने वाला शौहर देखने में बूढ़ा नजर आता है, इसलिए कि उसके चेहरे में दाढ़ी है। और ये जुमला भी सरासर गलत है महबूब नगर के नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, दाढ़ी रखने से आदमी बूढ़ा नहीं होता, दाढ़ी रखने से आदमी 100% मर्द नजर आता है, बूढ़ा नहीं। अगर तुम मेरे नबी की सुन्नत पर बुढ़ापे का लेबल लगाते हो, मैं हाथ जोड़ता हूं आइंदा मुझे महबूब नगर में कदम रखने ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पैदा होगा। अगर तुम मेरे नबी की सुन्नत पर बुढ़ापे का लेबल लगाते हो, दाढ़ी मुंडाने वालों को मैं कहूंगा कि तुम दाढ़ी मुंडा कर, हम दाढ़ी रखकर तो कम से कम बूढ़े नजर आ रहे हैं, तुम दाढ़ी मुंडा कर तो ना मर्द नजर आ रहे हो। और यह बात साबित हो चुकी है, दाढ़ी मुड़ाने से मर्दानियत कमजोर होती है। साइंस का रिसर्च पेश, साइंस रिसर्च पेश करती है, 7 नस्ल अब तो दाढ़ी मुड़ाने वालों की कसरत की दूसरी नस्ल चल रही है। वरना हजरत किबला से पूछ कर देखो, आज से 50 साल पहले इतने दाढ़ी नहीं मुड़ाते थे, नहीं मुड़ाते थे। दाढ़ी कसरत से मुड़ाने वालों की ये दूसरी नस्ल चल रही है, साइंस पेश कर दी। खुदा की कसम मेरे दोस्तों, कोई बात बगैर सबूत के नहीं, अब पूछो दलील पेश करूंगा, साइंस ने रिसर्च पेश कर दिया। मुसलसल अगर 7 नस्लें दाढ़ी मुड़ाने वालों की होगी, 8वीं नस्ल का बच्चा नाम मर्द बनकर पैदा होगा। खुदा बनाया, कौन सी चीज कहां रखना सही ये मेरे रब को जानता है। मुसलमानों के हर अमल और मुसलमानों की हर चीज पर रिसर्च आप दुश्मन कर रहे हैं। लिखा है यहां अगर कोई आदमी दाढ़ी के बाल निकालता है तो डायरेक्ट सूरज की शुआ पड़ने से आदमी की मर्दानियत पर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। साइंस कहती है 7 नस्ल मुसलसल अगर दाढ़ी मुड़ा दे और दाढ़ी मुड़ाने की हालत में बच्चे पैदा हो, 8वीं नस्ल का बच्चा ना मर्द बनकर पैदा होता है। लड़की के कान में जाकर कोई कह दिया कि तेरा होने वाला शौहर बूढ़ा नजर आ रहा है, मजाक तक करते हैं कुछ लोग, दाढ़ी वाले के साथ शादी कर को दे डाले तो मियां बीवी गए तो बाप बेटी गए सका दिखता कहते, तो वाह तो वाह तो वाह। हसनों को सुन्नत को छोड़ता है तो गुनहगार, फर्ज को छोड़ता है तो गुनहगार, वाजिब को छोड़ता है तो गुनहगार। मसला नोट करो, नमाज नहीं पढ़ा गुनहगार होगा, नमाज का मजाक उड़ाया काफिर होगा, रोजा नहीं रखा गुनहगार होगा, रोजे का मजाक उड़ाया काफिर होगा, मिसवाक इस्तेमाल नहीं करता गुनहगार होगा, मिसवाक का मजाक किया काफिर होगा, दाढ़ी मुंडाएगा गुनहगार होगा, दाढ़ी का मजाक करेगा तो काफिर हो जाएगा। ये कोई तहकीकी मसला नहीं, साफ फतवा है। दाढ़ी वाले के साथ उसकी बीवी गई तो बाप बेटे के सका दिखते, बाप बेटी के सका दिखते हैं, कहते क्या दाढ़ी रखने वाला बाप बन गया, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला। अब दाढ़ी मंडाने वाले के साथ अगर हमारी बच्ची गई तो कौन आरस कौन नौशो, ये क्या समझना हा? एक बाबा 3 बच्चों को ले लो स्कूल को गया कहते, कॉलेज को, हेडमास्टर पूछे कहते इन्हें कौन, इन्हें मेरा बेटा है, कितने साल इसे,
20 साल। अच्छा अच्छा दूसरा बेटा इन्हें कौन, इन्हें भी मेरा बेटा हजरत। कितने साल? 18 साल। इन्हें कौन, इन्हें भी मेरा बेटा। कितने साल? 16 साल। हेडमास्टर पूछे कहते 16 साल, लेकिन पूरे भाया से इन्हें बड़ा दिखता ना। 16 साल है, पूरे भाया से इन्हें बड़ा दिखता ना। फौरन वो बच्चा बोलिया कहते हेडमास्टर साहब असल में क्या है, कहते ये दो भाया मेरे अम्मी के सका, मैं ये किच अब्बा के सका। ये दो भाया किसके सका? अम्मी के सका, मैं ये किच अब्बा के सका। ये बहस तो जरूर करना तुम में से कौन अम्मी के सका कौन अब्बा के सका। बेटा है तो बाप के सका बनो, बेटी है तो माँ के सका बनो। मर्द के चेहरे पे दाढ़ी का होना जरूरी है। इस्लामाबाद में एक नौजवान पढ़ा लिखा हैंडसम और स्मार्ट, जिसके चेहरे पे घनी दाढ़ी, सुन्नत के मुताबिक रिश्ता हुआ, कल निकाह होने वाला। आज जब बारात गई सीधा जाता है अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदार और वालिदैन के साथ। लड़की के रिश्तेदारों में से किसी लड़की ने देखकर लड़की के कान में बता दिया कि तेरा होने वाला शौहर बहुत बूढ़ा नजर आ रहा है, उसके चेहरे में दाढ़ी है। अभी अभी हिंदुस्तान में अंग्रेजियत दाखिल होकर अजीब गरीब माहौल हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी बना था, फौरन लड़की ने अपने माँ बाप को बुलाकर कहा देखो अब्बा, देखो अम्मी, शादी का आयन वक्त आ गया, मैं कोई मुसीबत और तकरार करना नहीं चाहती, आपका बनाया हुआ रिश्ता हमें मंजूर है, लेकिन एक बात, पूरे मेरी सहेलियां मेरे शौहर होने वाले शौहर के चेहरे को दाढ़ी को देखकर मजाक कर रहे हैं, आप जाकर उस लड़के से कह दो कि दाढ़ी मुड़ा दे, शादी के 2-3 महीने के बाद दाढ़ी रख ले, आयन शादी के वक्त में पूरे रिश्तेदार आए हुए हैं, उसके चेहरे को देखकर मेरी जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं, अगर वो दाढ़ी मुड़ाएगा तो मैं शादी करूंगी, अगर दाढ़ी नहीं मुड़ाएगा तो मैं शादी नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर, गजब हो गया। कल सुबह को निकाह और अब दाढ़ी मुड़ाने की बात हो रही है। लड़की को समझाया गया, लड़की बजिद थी, अब सीधे लड़के के पास आए, आकर लड़के के माँ बाप और लड़की के माँ बाप आकर कहने लगे कि बेटे हमारी इज्जत का ख्याल है, खाली 1 महीने के वास्ते दाढ़ी मुंडा दो। दाढ़ी कोई ऐसी चीज नहीं कि मुंडाए तो नहीं आती, दाढ़ी मुंडाते रहो आती रहेगी, मुंडाते रहो आती रहेगी, छोड़ोगे तो कुछ दिन के बाद वो रुक जाती है, मुड़ाओगे तो आ जाएगी। बच्ची की एक जिद है, तुम ही इनकार नहीं कर रही है, तुम्हारी दाढ़ी से जर्रा उसे बेजार हो रहा है, इसलिए कि उसकी सहेलियों ने उसके कान फूंक दिए और मजाक उड़ा रहे हैं। लड़के ने कहा कि शादी ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने चेहरे से नबी की सुन्नत नहीं उठाऊंगा। माँ बाप हाथ जोड़ रहे हैं, बच्चा बजिद। आखिर माँ बाप ने दोस्तों से कहा, अक्सर बच्चे जब माँ बाप की नहीं मानते तो दोस्तों की मान लेते हैं, दोस्तों जरा तुम उसे समझाओ तो सही। पूरे दोस्त मिलकर उसे समझाने लगे, देख भाई मुसीबत में कभी हराम हलाल हो जाता है, कभी हराम हलाल हो जाता है, अब ऐसा वक्त आ चुका है, इसलिए तू दाढ़ी मुंडा दे, उसके बाद बीवी को समझा, उसके बाद पूरी जिंदगी है, उसके बाद तू जो चाहे कर। लड़के ने कहा कि मैं सब करने के लिए तैयार, आज मेरे माँ बाप के इज्जत के खातिर मैं गर्दन तक कटा दूंगा, लेकिन मैं दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा। चारों तरफ से प्रेशर शुरू हुआ, तो लड़का एक प्लान करता है, कहता है कि अच्छा अगर ऐसा ही मसला है तो देखो गुनाह तुम्हारे ऊपर होगा, मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा। अब तुम लोग कहते हो मैं दाढ़ी मुंडा देता हूं, लेकिन शर्त यह है, मैं जाऊंगा हज्जाम की दुकान में, अकेला जाऊंगा हज्जाम की दुकान में, मैं जाकर दाढ़ी मुंडा कर आऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं आएगा, ताकि मेरे इस गुनाह पर कोई गवाह ना बने। एक पॉलिसी इख्तियार किया, दोस्त अहबाब खुश हो गए, मुंडा रहा है वो भी तकवे के साथ मुंडा रहा है, बोल रहा है कि मेरे दाढ़ी मुंडाने का कोई गवाह ना हो। तो अब ये नौजवान संभल गया, माँ बाप खुश हो गए।
खुश हो गए, दो सहबाब खुश हो गए, दोस्तों तो इतना खुश हो गए, हमारा प्लान सक्सेस हो गया, हमारा समझाना पास हो गया। अब ये नौजवान गया सीधे एक झटका गाड़ी लिया, पुराने जमाने में झटका गाड़ी थे, गाड़ी में बैठा, गाड़ी वाले से कहा फौरन रेलवे स्टेशन ले चलो। अब गाड़ी वाले फौरन रेलवे स्टेशन गया, लेकर गया तो रेलवे स्टेशन में नौजवान उतरा, जाकर काउंटर में कहता है टिकट दो। काउंटर वाले ने पूछा कहाँ की टिकट, कौन सी ट्रेन की टिकट, तो फौरन लड़के ने कहा कि भाई अब इस वक्त 3-4 मिनट में कहाँ की ट्रेन आने वाली है वहां का टिकट दो, मैं वहीं चला जाता हूं। तो इत्तेफाक से मुल्तान को जाने वाली ट्रेन आई, टिकट लिया नौजवान, ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन गई मुल्तान के रेलवे स्टेशन में पहुंची। इस नौजवान का कोई जान नहीं पहचान नहीं, कुछ पैसे उसके पास थे, उन पैसों का सहारा लेकर गया मुल्तान रेलवे स्टेशन में उतरा। उतरते ही बाहर निकला, बाहर के लोगों से पूछा कि भाई यहां मस्जिद अल्लाह का घर कहां है ताकि मैं फजर की नमाज पढूं। बाहर रहने वालों ने कहा बिल्कुल पास में अल्लाह का घर है। तो सीधे गया, वजू किया, नमाज फजर की सुन्नत नमाज वक्त फजर का था, पढ़कर बैठ गया। इमाम साहब आए, फर्ज शुरू हुई, फर्ज नमाज के लिए खड़ गया। अब मुल्तान में पहुंचकर अब इसका दिन कैसे गुजरेगा, आगे क्या होगा, इससे बेखबर, सुन लेना, इससे बेखबर। नबी की मोहब्बत इसे कहते हैं, नबी का इश्क इसे कहते हैं। जब हम अल्लाह के रसूल मोहब्बत का क्या जवाब देते हैं। गया फजर की नमाज पढ़ा, फर्ज से फारिग हुआ, बैठा रहा, अचानक मस्जिद की पीछे की सबसे एक मालदार तरीन आदमी सफों को चीरता हुआ सामने आया। इमाम साहब आने वाले साहब को अच्छे तरीके से जानते, उन्होंने फौरन पूछा क्या बात है हाजी साहब, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहली सब में जितने मुसल्ली थे सबके चेहरे झांक झांक कर देखते हुए आ रहे हैं। नौजवान के पास जैसे ही आए तो फौरन उसके हाथ पकड़ लिए, नौजवान से कहने लगे मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही है, तुम ही वो नौजवान हो जिसकी पूरी रात से मुझे इंतजार है, खुदारा खुदा की कसम मैंने पूरी रात नहीं सोया, जरा आगे बढ़ जाओ, खुदारा जरा आगे बढ़ जाओ। इमाम साहब से कहते हैं इमाम साहब इस नौजवान के साथ मेरी बेटी का निकाह कर दो, इस नौजवान के साथ मेरी बेटी का निकाह कर दो। इमाम साहब ने हाजी साहब से पूछा हाजी साहब क्या बात है, शादियों की तैयारी तो सालों पहले होती है, शादी की तैयारी तो महीने पहले होती है, कार्ड छपते हैं, दावतनामे दिए जाते हैं, शादी का खासा इंतजाम होता है, बारातियां जमा होते हैं, आप अचानक वो भी फजर में शादी की बात कर रहे हैं, और ये कौन नौजवान है हाजी साहब, क्या तुम्हारे वालिद का रिश्तेदार है या तुम्हारे वालिदा का रिश्तेदार है, कोई जान है कि पहचान है। तो मालदार साहब ने कहा इमाम साहब से कि इमाम साहब पहले निकाह पढ़ा दो। नौजवान से कहते हैं कि भाई खुदारा मेरी बेटी से तुम निकाह कर लो, दोस्तों खुदा की कसम लिखा है उसी मजलिस में निकाह होता है। उसके बाद बरसरे आम मस्जिद में खड़े होकर लड़की के बाप कहते हैं कि भाइयों ये नौजवान कोई और नहीं है, दाढ़ी की हिफाजत के लिए ये इस्लामाबाद से यहाँ आया है, ये यहाँ पहुंचा नहीं, उससे पहले रात के पहले वक्त में नबी मेरे ख्वाब को आकर इरशाद फरमाने लगे, आज मुल्तान की रेलवे स्टेशन की मस्जिद में पहली सब में मेरा एक आशिक आएगा, उसके साथ तो अपनी बेटी का निकाह कर देना। आज मुल्तान की रेलवे स्टेशन की मस्जिद में मेरा एक आशिक आएगा, उसके साथ तुम अपनी बेटी का निकाह कर देना। और रात के पहले वक्त में बिस्तर पे सर रखकर आंख लगते ही मैंने ख्वाब देखा, फौरन उठा, मेरी बीवी को जगाया, मैंने ख्वाब बयान किया। बीवी ने कहा कि जब नबी का हुक्म है हमारे इनकार की कोई सूरत नहीं। सीधे बच्ची के पास गया, बच्ची से कहने लगा
तो बच्ची कहने लगी, जुमला सुन ले महबूब नगर की मेरी बहन, जुमला सुन ले महबूब नगर की मेरी अम्मा, जुमला सुन ले महबूब नगर की मेरी बच्ची, मेरी भांजी भतीजी, सिर्फ मोहब्बत नबी से करने का काम मर्दों का नहीं, तू भी नबी से मोहब्बत कर, तू भी नबी से इश्क कर। मर्दों को एक तरफ रखा जाए, औरतों को एक तरफ रखा जाए। हजरत मौलाना नईम कौसर साहब रशादी दामत बरकात उनके हवाले से ये अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे आका का एहसान सब पर तो था, लेकिन मर्दों के मुकाबले में औरतों पर बहुत ज्यादा था। कान खोल कर सुन ले, अगर मेरा ये नबी ना होता तो तुझे ममता की अजमत न मिलती, अगर ये मेरा नबी ना होता तुझे तेरी एक बहन की शराफत न मिलती, अगर मेरा ये नबी ना होता तेरे बाप की प्रॉपर्टी में तुझे हिस्सा न मिलता। मेरे नबी की, मेरे नबी की मोहब्बत, मेरे नबी का एहसान ना होता तेरे सर पर हया की चादर ना होती, मेरे नबी का एहसान ना होता तुझे आज भी दुनिया जिंदा दफनाने पर मजबूर होती। एक तरफ मर्दों को रखो, एक तरफ औरतों को रखो, मर्दों के मुकाबले में औरतों पर नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान बहुत ज्यादा है। तुम भी मोहब्बत करो, तुम्हारी मोहब्बत के वाकियात से भी किताबें भरी पड़ी है हदीस की किताबों में, तुम्हारी मोहब्बत के वाकया तारीख की किताबों में, तुम्हारी मोहब्बत के वाकया। इसको मोहब्बत कहते हैं। बाप ख्वाब में नबी को देखा, बाप ख्वाब में नबी का हुक्म पाया, बीवी को मां को उठाया, बीवी ने कहा नबी का फरमान है तो इनकार की क्या सूरत है। बच्ची को उठाते हैं, बच्ची को कहते हैं बेटी आप तेरे बाप ने ख्वाब में नबी को देखा है, ये एक नौजवान का चेहरा पेश किया है जिसे मैं भी नहीं जानता बल्कि मुल्तान नहीं जानता, वो अभी आया नहीं आने वाला है, वो अभी आया नहीं आने वाला है। ख्वाब में मेरे नबी ने फरमाया तेरा निकाह उससे कर दिया जाए। अल्लाह उस बच्ची, उस माँ, अब तो वो बच्ची नहीं रही, वो तो हमारी माँ रही, इस्लाम पर नाज रही, उस बच्ची ने कहा कि अब्बा जान फौरन निकाह का इंतजाम कीजिए, पूरी जिंदगी मुझे फकर रहेगा कि मेरा रिश्ता किसी ने नहीं लगाया, किसी बाप ने रिश्ता नहीं लगाया, माँ ने रिश्ता नहीं लगाया, दादा ने रिश्ता नहीं लगाया, नाना ने रिश्ता नहीं लगाया, मस्जिद के इमाम खतीब ने रिश्ता नहीं लगाया, रिश्ते लगाने वाले मदावत ने रिश्ता नहीं लगाया, पूरी जिंदगी तुम्हारी इस लखते जिगर को फकर रहेगा कि इसका रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया, इसका रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया। दोस्तों दाढ़ी रखना नबी की मोहब्बत का एक हद तक हक अदा करने के बराबर है। दाढ़ी बनाने वालों कान खोल कर सुन लो, अल्लाह की सलामती से तुम महरूम हो। दाढ़ी बनाने वालों कान खोल कर सुन लो, अल्लाह की बरकत से तुम महरूम हो, अल्लाह की रहमत से महरूम हो। इसीलिए मैंने हवाला पेश किया हिदाया की उर्दू की शरह अशरफुल हिदाया जिल्द शशम उठा कर देखो। सलाम करना पैगंबर ने फरमाया अफसुस सलाम, सलाम में पहल करो। मेरे आका ने फरमाया तकरा उस सलाम अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, सलाम करो जिसे तुम जानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे तुम नहीं जानते उसे भी सलाम करो। लेकिन मुहद्दिसीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सामने रखकर मसाई के मोतिया निकालते हुए इरशाद फरमाया जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है उसे सलाम करना जायज नहीं, यहां तक कि जो दाढ़ी मुंडाता है वो सलाम के लायक नहीं रहता। बात लंबी हो गई, दो तीन मिनट में अपनी बात को खत्म करता हूं। लकद मन्नल्ला तक मैं पहुंच नहीं सका और वो मोतिया पेश नहीं कर सका। हजरत अल्लामा इस उम्र में उम्मत की फिक्र करते हुए आपके अंदर सुन्नत का जज्बा पैदा करते हुए मैं देख रहा था वो जिस दर्द के साथ आपसे किताब मुख्तसर सही फरमा रहे थे उस दर्द को मैं महसूस कर रहा था। दोस्तों उस नबी के एहसान का हक अदा करने का वक्त आया है। दाढ़ी किस चीज की रुकावट है? हमें भी दाढ़ी रखे हैं, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। चेहरे में नूर पैदा होता है, देखने वाला इज्जत करता है, दस्तखत करने नहीं आता, अंगूठा छाप है। दाढ़ी रख को टोपी पहन लिया तो पूरा महबूब नगर जय मौली साहब करा।
जय मौली साहब, दाढ़ी रख लिए कई गुनाहों से बच जाते हैं, दाढ़ी रख लेकर शराब पिए तो दाढ़ी शराब सुनको सुनको शराब छोड़ डालता, दाढ़ी रखो झूठ, दाढ़ी रखो झूठ बोल रही झूठ छोड़ डालता, दाढ़ी रखो सूत का कारोबार करता, दाढ़ी रखो सूत का कारोबार छोड़ डालता। अल्लाह अकबर, कैसे बड़े बड़े गुनाहों से नबी की ये सुन्नत अल्लाह के फजल से बचाती है दाढ़ी मुनाने वालों का। आहा, मेरे पास एक नौजवान दुबई से आया, वहां फोन करके बेंगलुरु को आया, हजरत में तुम्हारे बयाना सुनतू, मैं इंडिया को आ रहा हूँ, कड़पा वाला हूँ, आंध्रा वाला, मैं इंडिया को आते ही फौरन तुम्हारे से मिलना हजरत कया। आजा भाई, सीधा आया होते उतरिया बेंगलुरु को आया, हमारी मस्जिद को आया, व्हाट्सएप में फोटो भी भेजा था, देख को मैं भूल गया, सीधा आया नमाज के बाद मुसाफा किया। आजकल तो अरब का अजीब हाल हो गया है, जितनी सुन्नतों को बदल रहे हैं या मिटा रहे हैं वो अरब की जमीन में हो रहा है। सलाम करने का अंदाज बदल गया, मुसाफा करने का अंदाज बदल गया, मुआनका करने का अंदाज बदल गया, अब तो मुसाफा भी नहीं चल रहा, हूं कते हूं ऐसे हूं, ये मुसाफा कते, ये बॉक्सिंग रे बाबा, मुसाफा नहीं, अब वो भी चलेगा अस्सलाम वालेकुम हूं कि दिल निकल जाता बोलको। फिर मुआनका अजीब करते, मुआनका कहते हैं गर्दन से गर्दन का लग जाना, सीने से सीने का लग जाना, क्या हजरत इसी को मुआनका, अब अरब का देखकर मुआनका हूं हूं, ना गर्दन लगती ना सीना लगता, वैसा तूने आको सलाम कर दल को मुझे मुआनका करया, सुबह कुछ मुंडाया दिखता, ऐसा कर को घसी जर्रा हलाया, शाम तक हजरत खुजली खुजली, हजरत माफी चाहता हूं हजरत में, मैं क्या सोचा मालूम, खाली एक मिनट के वास्ते घसिया, मेरा ये हाल होना, पाप इसकी जोरू का क्या हाल रहना, क्या हाल रहना बिचारी का बाप। दाढ़ियां रखो नबी की अजीम सुन्नत है, तुम पहचाने जाओगे दाढ़ी से। आखिरी बात अर्ज करता हूं, हमारे अंकल भी दाढ़ी रखने के बाद क्या बदल गया चेहरा, खाली टोपी पिना को कलमा पढ़ाना बाकी है, उतार अल्लाह चाहे तो वो भी कोई दूर बात नहीं है, अगर कोई कलमा पढ़ लेता है तो उसका बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ हो जाता है। अल इस्लामु यहदीमु मा काना कबला, इस्लाम लाने से पहले जितने गुनाह हुए हैं इस्लाम की बरकत से अल्लाह हर गुनाह को माफ कर देते हैं। क्या जबरदस्त दाढ़ी आ गई है, टोपी पिना को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिए, मोदी जी नहीं मौलवी जी बन जाएंगे। दुआ करो, चेहरों में नूर पैदा होता है, इज्जतें मिलती हैं, खबर भी अच्छी गुजरती है, हशर भी अच्छा गुजरेगा। अब बताओ मेरे दोस्तों, कौन कौन अपने चेहरों में दाढ़ियां रखेंगे, हाथ उठाओ, जिनके चेहरों में दाढ़ियां नहीं उन्हों हाथ उठाओ, रखेंगे ये हजरत, हजरत बार बार नाम ले रहा हूं खाली इजहार के लिए, अदबन व तबर्रुकन, हजरत जव्वाद साहब दामत बरकातहुम का एक दर्द है जो आपके सामने रखा, फिर एक मरतबा हाथ उठाओ, कौन कौन दाढ़ियां रखेंगे, क्या भाई रखेंगे, इंशाल्लाह आइंदा कभी महबूब नगर आया तो आपके चेहरे में मैं दाढ़ी देखूंगा, आपके चेहरे में दाढ़ी देखूंगा। समझ में आई बात है, आज के जलसे में इसी एक सुन्नत को जिंदा करो, कल से और सुन्नतें इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए आसान हो जाएंगी। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।